प्यारे दर्शकों, आज सिखां दे पंजवें गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सांझी वालदा दे मुदाई ते मनुखदा दे रहबर नूं याद करदिआं मैं उन्हां दे चरणां विच नमन करदिआं। गुरु अर्जन देव जी दे महान शहीदी पर्व है जिन्हां ने मनुखता नूं सांझी वालदा दा उपदेश दिता। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ते संस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मैं पंजाबी साहित्य अकैडमी के निर्देशक के रूप में पंजाबीयत की सेवा करने का मौका दिता है। आज इस ऑनलाइन प्रोग्राम विच साडे विच जीवन परिचय देने वास्ते आगे हैं रतनजीत सिंह जी शहरी जो एक शिक्षक हैं नाले पत्रकार हैं। रतनजीत सिंह जी शहरी दे पत्रिका विरासत विच पांच वर्षां तो आप बतौर मुख्य संपादक हैं नाले उन्हां दे शोध निरंतर जारी है। उन्हां दे काफी प्रकाशन लेख भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश पंजाबी समाज की उपलब्धियां विच उन्हां दी किताब अजे प्रकाशदीन है। नाल ही साडे नाल हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह गिल जो पिछले कई वर्षां तो एम बी खालसा महाविद्यालय इंदौर के भाषा विभाग के अध्यक्ष हैं। उन वर्तमान विच एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज माओ दे प्राचार्य के रूप में अपनी सेवावां दे रहे हैं। आप एम फिल भी हैं ते डबल पी एच डी भी हैं। उन्होंने अपने कई जगह से शोध पत्र भी उन्होंने पब्लिश हो चुके हैं। नाल ही समाज सेवा विच गुरु सिंह सभा विच भी अपनी सेवावां दे चुके हैं। गुरु सिंह सभा के अलावा आप 31 वर्षों तो इंदौर विच महाराजा मरी माता चौराह देवी सदस्य रहे। साडे विच कीर्तन वास्ते अमृतसर तो हजूरी रागी कीर्तन जत्था गुरदेव सिंह जी वीरका ते उन्हां दा पूरा जत्था साडे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज दी गुरबाणी दे बारे कीर्तन करनगे। आओ असी व्याख्यान सुनिए नाल ही कीर्तन सुन के गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी गुरबानी नू अपनी जीवन विच उतार दिया होया अपना जन्म सफला करिए। मैं अमर शहीदों की चारण उनकी यश गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ। संस्कृति विभाग के माध्यम से पंजाबी अकादमी के निर्देशक आदरणीय नीरू सिंह जी अर्जुन देव की पावन चरित्र स्मरण का जो पुनीत आयोजन किया मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं गुरु अर्जुन देव यानी त्याग तपस्या बलिदान आदर्श सिद्धांतों की प्रतिमूर्ति थे। वो शहादत सरताज और शांति दूत कहलाते थे। उनके पिता चतुर्थ गुरु श्री रामदास जी ने उनके दीर्घ गंभीर स्वभाव को देखते हुए 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्हें गुरु गादी सौंप दी थी। गुरु अर्जित देव ने हमें बताया कि धर्म श्रद्धा मात्र नहीं, धर्म तो लोक हित कारणी शक्ति और जन्मभूमि की भक्ति ही है। उन्होंने समझाया कि कीर्तन स्मरण और भजन ये अपने इष्ट के समीप जाने के सशक्त माध्यम है। उन्होंने अपने छोटे भाई गुरुदास के साथ मिलकर गुरु ग्रंथ साहब का सफल संपादन किया। 30 रागों को गुरु ग्रंथ साहब में समाहित करते हुए उन्होंने हम सबका मार्ग भक्ति के लिए प्रशस्त किया। देश की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मैं आप सब से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि आइए हमारे गुरुओं की त्यागी परंपरा को हम हमारे भीतर समाहित करें और ये सुनिश्चित करें कि आज के इस दौर में अपने देश के रक्षार्थ धर्म संस्कृति की रक्षार्थ आप और हम क्या करें। 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत यदि बनाना है तो इस त्यागी परंपरा को हमें निर्विघ्न आगे बढ़ाना होगा। किसी ने बहुत ठीक कहा है
समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा, उनका भी अपराध। आइए हम सब हमारी भूमिका गुरु अर्जुन देव के चरणों से आशीर्वाद लेकर प्रारंभ करें। धन्यवाद। जय हिंद। सत्कार योग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महान शहीद गुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साहब जी ने श्रद्धा पूर्वक सिमरन करते हुए उन्हां द्वारा समुची मनुखी जाति ते कीते गए महान परोपकार सर्वसांझी वालता दे रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साहब जी की संपादना कारज बारे कुछ विचार सांझ करांगे। गुरु साहब के पावन शहीदी नूं याद करदियां कीते जा रहे इस उपराले लई मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के सीनियर डायरैक्टर, मध्य प्रदेश पंजाबी साहित्य अकैडमी की डायरैक्टर श्रीमती नीरू सिंह जी का धन्यवाद करता हाँ, जिन्हें इस प्रोग्राम विच शामिल होने का मान दिता है। सिख धर्म संसार के महत्वपूर्ण धर्मों विचों नवा अते निवेकला धर्म है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सिख धर्म दर्शन का मूल आधार अते मानवी मूलों का अथाह भंडार। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सिख धर्म के पावन धार्मिक ग्रंथ होने के नाल जाहरा जहूर हाजरा हजूर सच्चे पातशाह हैं। इसके संकलन की आरंभता गुरु नानक पातशाह ते प्रकट हुई दुरकी बाणी नाल हुई। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश आरंभ गुरु नानक दे आगमन नाल होया अते इस महान ग्रंथ का संपादना कारज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा संपूर्ण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादना कारज गुरु अर्जन देव जी द्वारा मानवता लई कीता गया बहुत वड्डा परोपकार है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना का कारज पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी द्वारा 1599 ईस्वी विच आरंभ होया। इस दी तैयारियां कुछ साल पहला तो आरंभ हो गई सन। संपादना के कारज लई अमृतसर के बिल्कुल नज़दीक रामसर के रमणिक स्थान की चोण की गई। इस पवित्र आदि ग्रंथ नूं लिखण दा माण भाई गुरदास जी नूं प्रापत होया अते 1604 ईस्वी नूं यह महान कारज संपूर्ण होया। आदि ग्रंथ का पहला प्रकाश 1 सितंबर 1604 ईस्वी नूं श्री हरिमंदर साहब विखे किया गया अते बाबा बुढ़ा जी इस दे पहले ग्रंथी वजों थापे गए। इस पहले प्रकाश के समय जो हुक्मनामा आया वो ये है, सूही महला पंजवां संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तरत सुहावे ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार भया जगंतर, लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अच्युत अवनासी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम प्याया। आने वाले समय विच असी वेखते हाँ कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब जदों आनंदपुर छड्डण तो बाद तलवंडी साबो पुजे तो उत्थे आदि ग्रंथ की संपूर्ण वाणी नूं लिखती रूप प्रदान किया। इस लिखती रूप की कारज सेवा भाई मनी सिंह जी के हिस्से आई। इस ग्रंथ विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दर्ज की गई अते जीजावंती राग शामिल करके रागां की गिणती 31 कर दी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब जी ने 1708 ईस्वी विच ज्योति जोत समाउण वेले इस पवित्र धर्म ग्रंथ नूं गुरगद्दी दे सिखां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया। आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिल बो चाहे खोज शब्द मिले। इस तरह आदि ग्रंथ तो गुरु ग्रंथ साहब के रूप विच शब्द गुरु की प्राप्ति सिखां नूं होई। संसार दे धर्म इतिहास विच यह पहला पावन ग्रंथ है जिसका संकलन कारज सिख धर्म के बाणी श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी ने आप आरंभ किया। गुरु नानक पातशाह ने अपनी उदासियां समय उन्हां सारे भगतों की बाणी एकत्रित कर ली सी, जेड़े धर्म वन वर्ण वंड श्रेणी वंड जात पात छूत छात
वहम भरम अते धार्मिक संकीर्णता विच विश्वास नहीं करते सन। गुरु साहब ने जिथे 15 भगतों की बाणी एकत्रित की उथे उस समय अपने वालों उचारी जाती दुरकी बाणी नूं भी लिखती रूप दे गए। भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरु साहब के कच्छ विच एक किताब हुंदी सी जो पावन पोथी के रूप विच प्रसिद्ध हुई। इहो पावन पोथी श्री गुरु अंगद देव जी नूं प्राप्त हुई, जिस विच उन्हां अपने बाणी शामिल करदिआं इस नूं गुरु अमरदास जी नूं सौंप दिता। इहो परंपरा गुरु अर्जन देव जी तक निरंतर जारी रही। गुरु ग्रंथ साहिब विच 6 गुरु साहिबान, आदि ग्रंथ के 5 गुरु साहिबान, 15 भगत साहिबान, 11 भट्ट अते 4 गुरसिख बाणीकारां की बाणी दर्ज है। इस तरीके नाल कुछ 36 बाणीकारां की बाणी दर्ज की गई। इन्हां बाणीकारां की तरतीब करना बड़ा ही विद्वता का कारज सी। ये विरहता सी ही इस दी तरतीब आसान भी नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी ने संगीत के महत्व नूं समझिया। गुरु साहब संगीत की महत्ता तो भली भांत जाणू सन। संगीत मनुख नूं विस्माद विच लै जांदा है। गुरु नानक पातशाह दे शब्द अते भाई मरदाने दी रबाब हमेशा अंग संग रहे। इसे लई गुरु ग्रंथ साहब विच रागां नूं बहुत महत्ता दित्ती गई है। गुरु ग्रंथ साहब विच बाणीकारां दी बाणी नूं 31 मुख रागां विच संपादित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी प्रवाह का आरंभ एक ओंकार की अलाई धुन नाल अंग एक तो हुंदा है। 1430 अंग से 18-10-20 से अनहद राग नाद नाल समापन हुंदा है। अंग एक तो 13 तक नितनेम दियां बाणियां अंकित हैं। उपरंत अंग 14 तो 1353 तक रागयुक्त बाणी है। अंग 1353 तो 1430 तक राग मुक्त बाणियां दर्ज। गुरु साहिबान की सारी बाणी नानक छाप मोहर हेठ ही प्राप्त होंगी है। गुरु ग्रंथ साहब विच बाणीकारां नूं हरेक राग शुरू होने उत्ते एक क्रम विच रख्या गया है। सब तो पहला गुरु साहिबाना की बाणी उन्हां दे क्रम अनुसार रखी गई, फिर भगतां की बाणी, पटां की बाणी, उपरंत गुरसिख बाणीकारां की रचना नूं स्थान दिता गया। गुरु ग्रंथ साहिब विच दिते गए अंक विशेष महत्ता रखते हैं। ये अंक एक तो महला पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, नौवां दे रूप विच नज़र आउंदे हन। दूजा शब्द दे विचकार हन अते तीजा संबंधित काव्य रूप दी कुल संख्या जोड़ दे रूप विच। शब्द दे विचकार पंक्तियां दी गिणती जिवें जपजी साहिब दियां पौड़ियां दी गिणती 39, वार आसा दियां पौड़ियां दी गिणती, आनंद साहब दी पौड़ियां दी गिणती, श्लोक महला नौवें दे श्लोकां दी गिणती। इंज गुरबाणी विच किसे प्रकार की मिलावट करन तो हर प्रकार के जतन नाकाम कर दिते गए, क्योंकि मिलावट करन वाले नू सारे अंक भी बदलन की लोड़ है। जे बदलना होए ये चीज करनी संभव नहीं। इस तरह यह अंक प्रबंध गुरबाणी के शुद्ध शरीफ नू स्थापित रखण विच बहुत सहाई होया। गुरु अर्जन देव जी ने एक अजिहे धर्म ग्रंथ नू संपादित किया जो राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय सरहदां नू तोड़दा होया संसारी पत्थर ते स्थापित होया। इस ग्रंथ विच जिथे गुरु साहिबान दी बाणी अंकित कीती गई है उस दे नाल ही हिंदू भगतां अते मुसलमान पीरां फकीरां दी बाणी नू भी योग थां दे के सन्मान किया गया है। इस तरह यह संसार का पहला अजिहा धर्म ग्रंथ है जिस विच ना केवल वख-वख धर्मां सगों वख-वख सभ्याचारां बोलियां अते जातां दे मनुखां नूं थां दे के मानो सम्मान नूं शिखर ते पहुंचाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब विच बाड़ी अंकीकरण दी कसौटी
सिर्फ गुरु नानक पातशाह दे सिद्धांत सन, ना कि जाति उत्तमता। गुरु घर जन्म उत्तमता नू नकारदा है अते बौद्धिक उत्तमता नू प्रवान करता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा संपादित इस महान ग्रंथ विच अंकित बाणी दी भाषा पंजाबी पंजाबी सदुकड़ी प्राकृत अभ्रंश ब्रज अवधि गुजराती मराठी बंगला अते फारसी आदि दे शब्दां दा मिश्रण है, पर इन्हां दा प्रगटाओ गुरमुखी लिपि विच कीता गया है। इस तरह धर्म वंड वर्ण वंड श्रेणी वंड जात पात छूत छात वहम परम अते धार्मिक संकीर्णता तो परे यह ग्रंथ एक महान ग्रंथ है जिसकी संपादकी निश्चित तौर पर महान है। गुरु साहब ने जिथे ये महान कारज का संपूर्णता की उथे ही गुरु साहब की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना श्री सुखमनी साहब। गुरु अर्जन देव जी की रची बाणी विच्चों श्री सुखमनी साहब एक अजिही रचना है जो बहुत ही सरल भाषा विच रची गई है। श्री सुखमनी साहब सुखां दी मणी है। इस बाणी विच अध्यात्मक पहुँच नूं बहुत ही सरलता अते स्पष्टता नाल बयान किया गया है। इस बाणी रचना हित गुरु अर्जन देव जी ने 24 श्लोक ते 24 ही अस्पदियां दी चोण की। हरेक अस्पति दियां 8-8 तुकां हन अते 10-10 सत्रां हन। धर्म विज्ञानियां ने मानव जीवन दे 24 घंटियां विच औसतन 24,000 श्वास प्रवान किते हैं। इस तरह यह बाणी मानव जीवन दे एक एक श्वास नाल जुड़ी हुई है। इसे लई इस विच श्वास श्वास सिमरो गोविंद दा विधान दस्या गया। पाओ मानव जीवन दे हर श्वास नू सफल करना इस बाणी दा मूल सरोकार है। श्री सुखमनी साहब दियां 24 अस्पदियां विचों केवल पहली अस्पदी विच हेठ लिखियां दो पंक्तियां नू गंभीरता नाल विचारियां ही इस बाणी दा निचोड़ सामने आ जांदा है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सुरतालजीत कौर। हम ये शब्द मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग की पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल की ओर से श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस के विशेष अवसर पर प्रस्तुत करने जा रही है। इसके लिए अकादमी की निदेशक श्रीमती नीरू सिंह ज्ञानी जी का धन्यवाद। आज का ये विशेष प्रोग्राम संसार भर में फैली हुई महामारी से नेगेटिविटी को अच्छे समय में बदलने के लिए श्री दीपक कुमार और उनके साथियों की ओर से विशेष समागम जिसमें अरदास और शब्द गुरबानी का उपराला भी किया गया है। इस आज के प्रोग्राम में हमारे सत्कार योग भाई गुरुदेव सिंह वेर का हजूरी रागी श्री दरबार साहिब शब्द गायन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो चल तो
कौन हुआ
ज्योति ज्योत रली संपूर्ण की
श्री गुरु अर्जन देव जी एक प्रेरणादायी शख्सियत। सब तो पहला मैं महान गुरु शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी नूं नमन करदा हाँ। संस्कृति मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर दे प्रेरणा नाल संस्कृत परिषद दे सीनियर डायरैक्टर अते मध्य प्रदेश पंजाबी साहित्य अकैदमी दी डायरैक्टर श्रीमती नीरू सिंह ने अज गुरु अर्जन देव जी दी महान शख्सियत नूं आम लोगों तक पहुँचाने का जो उदम किया है मैं शुक्र गुजार हाँ आप जी का। महान गुरु की शख्सियत को कुछ मिनटों में बयान करना संभव नहीं, पर फिर भी मैं उनके जीवन के सारे नहीं कुछ खास पहलुओं को आप जी नाल साझा करूँगा। श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म चौथे गुरु गुरु रामदास बीबी भानी के घर 19 विसाख संबत 1620 अर्थात 15 अप्रैल 1563 नूं गोबिंदवाल साहब विखे होया। आप सिखां दे पंजवें गुरु सन। बचपन दे मुढ़ले 11 साल अपने नाना गुरु अमरदास जी की देख रेख हेठ गुजारे दे नाल नाल आप जी ने नाना गुरु तो गुरमुखी की विद्या की मुहारत हासिल की। देवनागरी पिंड की धर्मशाला तो सीखी। संस्कृत का ज्ञान आप जी ने पंडित बेणी कोलो गणित विद्या मामा मोरी जी तो हासिल की। आप जी ने ध्यान लगाने की विद्या आप जी के मामा जी बाबा मोहन जी ने सिखाई। गुरु रामदास ने 1570 पिंड तुंग के जिम्मेदारा 700 अकबरी मोहरा दे के 500 बीघे जमीन गुरु के चक वाली थान प्राप्त की, जिसका नाम बाद चक रामदास पै गया। इस स्थल श्री गुरु रामदास जी ने दुख पंजरी बेरी वाली थान पर एक सरोवर की खुदवाई की आरंभ की, जिसन बाद श्री गुरु अर्जन देव जी ने संपूर्ण किया। इस सरोवर का नाम अपनी दूर अंदेशी नाल अमृतसर रख्या। इस तो इस नगर का नाम अमृतसर पिया। श्री गुरु अर्जन देव जी का विह 23 हाड़ संबत 1636 मौ पिंड तहसील फिलौर के वसनीक श्री किशन चंद जी सपुत्री माता गंगा जी नाल होया। उस वेले आप जी की उम्र 16 साल की सी। जब माता गंगा जी मन विच पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेके बाबा बुढ़ा जी लई
हाथी प्रशादा तैयार करके बीड़ साहिब पुजे तो प्रशादा छकन लग्या प्रसन्नचित मुद्रा विच बाबा जी दे वरदान नाल माता गंगा जी दे कुखो 21 हाड़ संमत 1652 अर्थात 19 जून 1595 नूं 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब योद्धा पुत्र दा जन्म होया। गुरगद्दी ते विराजमान होके आप जी ने धर्म प्रचार दे नाल नाल गुरु रामदास जी वालों आरंभे कारजा नूं नेपरे चाड़ना शुरू किया। संगता दे नाल नाल बाबा बुढ़ा जी अते भाई सालो जी नूं इन्हां काम लई जत्थादार थापिया गया अते आप जी ने दूर दूर तक गुरसिखी नूं प्रचारिया। आगरे तो चल के गुरु साहिब के दर्शना हित भाई गुरदास जी अमृतसर विखे 1583 के आरंभ विच गुरु साहिब नूं मिले। श्री गुरु अर्जन देव जी वालों आरंभी सन 1586 ईस्वी विच संतोखसर गुरद्वारा साहिब की सेवा विच भाई गुरदास जी ने अहम योगदान पाया। गुरु साहिब जी ने 3 जनवरी 1588 माघी वाले दिन श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरिमंदर साहब की नींह रखण का पवित्र काम मुसलमान फकीर साईं मियाँ मीर तो करवाया। श्री हरिमंदर साहब के चारे पासे दरवाजे रखाण का गुरु साहब का मंतव सारे धर्मां नूं बराबर का सत्कार देना सी। सरोवर विच विराजमान श्री हरिमंदर साहब की मूरत अते दिन रात हुंदा गुरबाणी का कीर्तन सुन के अचरज नज़ारे तक के देखण वाले दे मन विच अजिहा सवाल पैदा हुंदा कि इस तों भी अगे वी सचखंड है, क्योंकि गुरु साहिब की सोच सर्ब सांझी वालता सी। वो चाहते सन कि श्री हरिमंदर साहब दुनिया का इहो पवित्र स्थान बने जिस विच तारे धर्मां दे लोक आउण ते मत्था टेक के आत्मिक आनंद दी प्राप्ति करन। यही कारण है कि आ हरिमंदर साहिब विच दूरों दूरों सारे धर्मां दे लोक आके सीस निवाउंदे ने। 1590 तक गुरु साहिब श्री हरिमंदर साहिब की सेवा विच रुझे रहे अते इसे ही साल गुरु साहिब ने 15 अप्रैल 1590 ईस्वी विच बाबा बूढ़ा जी दे अरदासा सोधण उपरंत तरन तारण सरोवर की नींह रखी, क्योंकि सिखी के असूल हैं आप तरना अते दूजा नूं तारना। गुरु साहिब का मनोरथ गुरु नानक साहब की सिखी नूं प्रचारना सी। तरन तारण विच कोड़ी घर बराउण उपरंत सरोवर के पानी नूं अमृत रूप विच बदल के कोहड़ियां दा कोड़ हमेशा लिए खत्म किया। 1593 विच आप जी ने जलंधर दुआबे विच धर्म प्रचार केंद्र करतारपुर वसाया अते माता गंगा जी दे नाम ते खूह लगवाया। 1596 ईस्वी नूं आप जी ने गुरु की वडाली नूं धर्म प्रचार हित पक्का टिकाणा बनाया। इत्थे ही 6वें गुरु साहिब दा जन्म होया सी। इन्हां ही सालां विच सोका पै जा कारण जनता दी लोड़ नूं मुख रखे आप जी ने 2 हाटे 4 हाटे खूह लगवाए। गुरु की वडाली दे पछम वल 6 हाटा खूह जिथे गुरद्वारा छराटा साहिब है लगवाया। लाहौर विच भुखमरी अते काल पै जा कारण सन 1597 विच गुरु जी ने लाहौर पुज के चोना मंडी विखे निथावे नूं था देण लई इमारत अते पानी दी जरूरत लई डब्बी बाजार विच बाउली बनाई, लंगर लगवाए, दवा दारू दा इंतजाम किया। 1598 विच अकबर बादशाह गोबिंद साहिब विखे गुरु अर्जन देव जी दे दरबार विच हाजिर होया। उसने गुरु जी वल्लों लाहौर काल समय पीड़ित लोगों की सेवा लिए शुकराना किया। गुरु जी दे अजीम शख्सियत ते लंगर प्रथा तो प्रभावित होकर लंगर दे नाते जागीर लाउण की पेशकश की, पर गुरु जी ने जागीर लैण तो इनकार कर दिता। लेकिन बादशाह नूं इस इलाके विचों शाही फौजां दे रहण ते कूच कारण होए नुकसान कारण लगान माफ़ करन लई अकबर बादशाह नूं राजी कर लिया। सन 1599 विच लोकां नूं वहमां भरमां चों कढ़न लई धर्म प्रचार हित आप जी ने प्रचार दौरे किते। गुरु साहिब ने अपने गुरगद्दी काल विच सब तो महान काम इलाही बाणी रचण अते पहले गुरु साहिब दी संतां भगतां दी बाणी नूं एकत्र करन दा कार्ज किया। इस महान काम नूं करन लई गुरु साहिब ने एकांतवास जगह श्री रामसर गुरद्वारा सुशोभित अमृतसर चुनी।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अदुत्ती उपदेशों का असर मुसलमान उलमावां अते काजियां ने कबूलिया, क्योंकि मुसलमान कट्टरपंथी अपने धर्म की बराबरी बर्दाश्त नहीं सन कर सकते। अकबर का पुत्र जहांगीर जदों तख्त ते बैठा तो अयोध्या ने गुरु साहिब विरुद्ध उसके कान भरने शुरू किए। इस काम लई चंदू की ईरखा ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया। जहांगीर ने मुर्तजा खान को कहा कि गुरु साहब का माल असबाब जब्त करके उन्होंने सामने पेश किया जाए। जहांगीर ने गुरु साहब न श्री गुरु ग्रंथ साहिब हजरत मुहम्मद साहब की खुशामद के शब्द दर्ज करने लिए कहा, जिसते गुरु साहब ने साफ इनकार कर दिता। एक पासे चंदू की ईरखा सी, उसकी लड़के का रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब न करन तो गुरु साहब ने इनकार करता सी। अखीर गुरु साहब ने शहीद करन दा हुक्म दे दिता गया। इस काम लिए खास तौर पर निर्दयी चंदू नू लगाया गया। गुरु साहब ने तत्ती तवी ते बिठा के सीस ते तत्ती रेत पाई गई अते बाद विच उबलते पानी दी देग विच पाया गया। पर गुरु साहब ने तेरा किया मीठा लागे दी तुनी जारी रखी। अंत 16 मई 1606 नू 6वें दिन गुरु साहब के पावन शरीर नू रावी दरिया के किनारे ले जाया गया अते दरिया विच रोड़ा गया। अजकल वो जगह गुरुद्वारा डेरा साहब के नाम नाल जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान विच है। गुरु अर्जन देव जी के उद्देशों की सार्थकता अज होर भी बढ़ गई है, क्योंकि अज दुनिया भर में करोना की बीमारी नाल लोग दुखी हैं। उत्थे आपसी द्वेष ईरखा तो एक दूजे को मार के अगे निकलण की होड़ लगी है। गुरु जी की बाणी तपदे हिरदे नूं ठंड वरतांदी है। एक बार फिर महान गुरु की महान शहादत नूं मैं बार बार प्रणाम करता हाँ। Yeah.
सहज समाज
जलंदा रख ले अपनी कृपा का, जब जलंदा